देखिए, जिसे करियर कहते हैं ना, उसकी एक एज होती है। वो आज नहीं हो सकता, वो कल नहीं हो सकता। बाकी काम तुम आगे पीछे कर सकते हो, पर करियर नहीं हो सकता। अच्छा, मजे की बात ये है कि बाकी सारे काम भी तुम्हारे इसी उम्र में होते हैं। इसलिए आप इस बात को इस तरह से समझिए कि ये कुछ घंटे हैं तुम्हारे पास। ध्यान से सुनना, ये कुछ घंटे हैं तुम्हारे पास जिसमें तुम्हें करियर भी बनाना है, विवाह भी करना है, लाइफ को एक ठहराव भी देना है और पढ़ना भी है। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये सब तुम जानते हो। हर कोई जानता है करियर कितना इंपॉर्टेंट है बनाना, पर फिर बना क्यों नहीं पाते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वर्मा और आप देख रहे हैं 6 PM टॉक। ये बहुत ज़्यादा मेल्स आए थे, सेम ही मेल्स थे, भैया पढ़ाई में मन नहीं लगता, एग्ज़ाम है पता है पर पढ़ नहीं पाते, क्या करें, ये करें वो करें, भैया मेरा बिजनेस था मैंने बंद कर दिया, अलग अलग कंपनियों के नाम लेते हैं। फिलहाल मैं तुम्हें कुछ बात बताने आया हूँ, ठीक है, तो तुम रिलेट कर लेना और तुम जहाँ भी जिस भी श्रेणी में अटके हुए हो वहाँ से अपनी लाइफ को स्टार्ट कर लेना। देखिए, जिसका गोल सेट नहीं है वो करियर नहीं बना सकता, ये मैं लिखित में दे सकता हूँ। नहीं बना सकते तुम करियर, उसका कारण है, कारण ये है कि तुम्हें दिशा नहीं पता जाना किधर है। तुम पहुँचोगे कहीं ना कहीं, पर ज़रूरी नहीं वो मंजिल तुम्हारी हो। और जिसने खुद को बिना जाने गोल सेट किया वो ज़रूरी नहीं वो खुशी रहे। मैंने पहले भी बताया था तुम्हें, एक व्यक्ति होता है समझौते वाला, एक होता है जिसे जो चाहिए वो चाहिए, वो समझौता नहीं करता। बताया था ना कि पापा ने साइकिल दिलवाई, पापा सस्ती साइकिल दिलवा रहे थे, हमने कहा चलो ठीक है यही ले लेते हैं। ऐसे व्यक्ति समझौते वाले होते हैं, वो किसी भी करियर के साथ सेट हो सकते हैं, पर एक वो कि नहीं मैं तो वही लूँगा जिसमें गेर है, चाहे तुम मुझे और कोई पनिशमेंट दे दो, चाहे कोई मैं और एग्ज़ाम निकाल दूँ, लूँगा वही साइकिल। इन लोगों को ना बहुत सोच समझ के करियर में घुसना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं हुए खुश तो ये त्याग देंगे। देखो, पैसा कमाना और पैसे कमाने तक पहुँचना, ये बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेना खाली तुम्हें आराम दे सकता है, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। हो सकता है उस समय जब तुम पे ज़्यादा पैसा हो तो तुम अपने सपने को भूल के पैसे से मिलने वाले सुखों में व्यस्त हो जाओ, जैसे आजकल करते हैं, बड़ी गाड़ी, बाइक, ट्रैवल। अब तुम्हें लगने लगता है शायद मैं इसके लिए ही बना था, पर वो काम तुम 3-4 दिन महीनों से ज़्यादा नहीं कर पाते। उसका कारण यही होता है कि तुमने गोल सेट नहीं किया था और ना ही तुम्हें पता था तुम्हारा गोल क्या है। वो पता इसलिए नहीं था क्योंकि तुमने खुद को नहीं जाना था। देखो, ये एज ग्रुप होते हैं, अगर तुम अभी 18 से 20 या 21 तक हो तो समय है कि बहुत सोच समझ के एक करियर सेट कर दो, एक गोल सेट कर दो कि मुझे इसको पकड़ना है और लगे रहो 3-4 साल 5 साल तक, आराम से मिल जाएगा। और अगर तुम 22 से 25 या 26 के बीच में हो तो वो करियर चुनो जो आसानी से, या फिर जिसके लिए तुम ज़्यादा मेहनत कर सको, या फिर जो जल्दी मिल जाए। अगर 26 से ऊपर हो तो सिर्फ पैसा कमाने पे ध्यान दो, करियर वगैरह सेट हो जाएगा, तुम सिर्फ पैसे पे ध्यान दो। अगर तुम्हें लाइफ एक वैसे जीनी है जो सुखी जीवन होता है, क्योंकि 26 की उम्र में तुम करियर के लिए मेहनत करोगे 4-5 साल, विवाह कब करोगे, मानो 29-30 में तुम्हारी नौकरी भी लगी तो नौकरी ये तो है नहीं, आते के साथ ही तुम्हें 50 लाख रुपये दे देगी, उसमें भी तुम्हें कमाने में समय लगेगा, फिर तुम लोन लोगे, बहुत चीज़ें होती हैं। तुम्हें ये बहुत ध्यान से समझना होगा कि बिना करियर के तुम जीवित ही नहीं हो। ये समझ लीजिए, 30-32 तक अगर तुमने पैसा नहीं कमा रखा तो बाकी सब तो ठीक रहेंगे, पर तुम्हारी ज़िंदगी में कोरोना आ जाएगा, तुम्हारी मौत निश्चित है। और खाली जीने को जीना नहीं कहते, ये ध्यान रख लेना। तुम्हें लगता है आसानी से मैं तो हिमालय रह लूँगा, मैं कहीं भी रह लूँगा, कहीं भी कोई नौकरी कर लूँगा, नहीं नहीं नहीं, जो आराम की ज़िंदगी होती है ना, जैसे किसी भिखारी की कहीं घाट पे लेटे हैं जो मिला खा लिया, उससे कहीं गुना ज़्यादा डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, इन सब से भरी ज़िंदगी होती है एक एम्प्लॉय की, खास करके प्राइवेट एम्प्लॉय जो 15-20-25 हज़ार में किसी मेट्रो सिटी में जॉब करता है। ये ध्यान रख लेना, तुम पूछ के देख लेना किसी से। मेरी सलाह है कि तुम अपना एक गोल सेट करो जिसमें भी तुम्हें जाना हो। गोल सेट करने के बाद एक समय लिख दीजिए, एक पेपर लीजिए, समय लिख दीजिए कि अगले 4 साल। इसके बीच में तुम डिमोटिवेट भी होगे,
तुम्हारा मन भी भटकेगा, तुम्हारे पास दूसरे करियर के ऑप्शन भी आएंगे, क्योंकि दिमाग चलेगा तो आएंगे, ज़रूर आएंगे। तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, 2 साल मेहनत करी कोई बात नहीं, इसे छोड़ देता हूँ, इसमें अभी 3 साल और लगेंगे, ये देखो 1 साल में यहाँ से मैं सेट हो सकता हूँ। इसीलिए इसी चीज़ को मैं तुम्हें कह रहा हूँ, गोल वो सेट करना जो तुमने खुद को जानने के बाद किया, वरना तुम भटक जाओगे। 2 साल तुमने इसमें खराब किए, 1 साल उसमें करोगे, वो भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, गए काम से। करियर एक सेट कर लो, उस पर 100% दे दो आंखें बंद करके। ये दिन को घंटों में, सेकंडों में, मिनट में, महीनों को बांटो मत। जिस चीज पर तुम मेहनत कर रहे हो, जितनी किताबें तुम्हें पढ़नी है, जितना कोई काम तुम्हें करना है, उस काम को बांटो। समय को बांटने की जरूरत नहीं है, इन काम को बांटो। सपोज कीजिए तुम्हें 8 किताबें पढ़नी है, 8 किताब में से तुम्हारा पेपर आएगा, उन 8 किताबों को बांटो, चैप्टर्स को बांटो, समय को मत बांटो। समय को बांटोगे तो तुम एक रूटीन में आ जाओगे कि देखो 3 साल है, 3 साल में मुझे किताबें ख़त्म करनी है, ये तो आराम से हो जाएंगी। नहीं, किताबों को बांटो, उन्हें कंप्लीट करो फटाफट फटाफट, समय चाहे जितना लग रहा है, हो सकता है 6 महीने में हो जाए, हो सकता है 10 महीने में हो जाए। एक लगातार डिसिप्लिन के साथ रहो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। देखो सबकी बिगड़ती है, तुम अकेले नहीं हो, सबकी बिगड़ती है, ये बना ही टूटने के लिए है। ऐसा कोई नहीं जिसकी नहीं टूटती। खुद को पीड़ित मत करो, खुद को डिमोटिवेट मत करो दूसरों को देख के, देखो वो वीडियोस में तो कंसिस्टेंट रहता, नहीं नहीं नहीं, सबकी टूटती है। एक अच्छा एक एनवायरनमेंट अपने पास रखो कि मैं सुबह उठूँ अच्छे से। तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। यूजुअली मैं रोज़ाना, मेरी आदत है, मैं थोड़ा लेट नहा लेता हूँ, कभी 8 बजे नहा लेता हूँ, कभी कभी तो 6 बजे, कभी 10:30 हो जाते हैं, कभी 11 भी बज जाते हैं। उसका कारण है कि मैं किस समय उठ रहा हूँ, किस समय में वो काम कर रहा हूँ और फिर नहाने जा रहा हूँ। यही सेम होता था मेरे मंगलवार और शनिवार के दिन, जो कि मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था सुबह 6 बजे उठ के मैं पूजा पाठ में लगूँ अपना। तो मैंने क्या किया था, मैं उस दिन जल्दी उठता था, अलार्म लगा के फटाफट से नहाया, खुद को पॉजिटिव रखता था, सारे काम अच्छे से कर लिए। सोचो बाकी दिन मैं 8:30-9 बजे नहा रहा हूँ, उस दिन 6 बजे क्यों नहा रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ ये चीज़, मैं चाहता हूँ खुद में सुधार करना, मैं चाहता हूँ उन दिन तो कम से कम उठूँ। तो वैसे भी तुम चाहोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। तुम चाहोगे तो सुबह उठो, एक्सरसाइज करो। देखो जो एक्सरसाइज है ना, जो जिम होती है, वो करते हुए ही थोड़ा कठिन लगता है, पर उसके बाद जो महसूस होता है, जो एनर्जी तुम फील करोगे, जो तुम खुद को देख के थोड़ा गर्व महसूस करोगे, वो बहुत शानदार होता है। तो इसलिए खुद को पॉजिटिव रखो, सुबह नहाओ अपना, पूजा पाठ करो, अच्छी एक्सरसाइज करो, काम पे लग जाओ। फालतू के काम ना एक पेपर पर लिख लीजिए, मुझे ये नहीं करना है, भले वो कुछ भी हो। मोबाइल का कंजप्शन जितना कम कर सकते हो उतना कम करो। मैक्सिमम यूज करो गूगल का, मैक्सिमम यूज करो चैट जीपीटी का, और मिड में रख दो यूट्यूब की। यूट्यूब का यूज भी मुझे लेना है, पर ये शॉर्ट और रील्स का मुझे नहीं लेना। तुम्हारा कंजप्शन सबसे ज़्यादा खाता है तुम्हारा टाइम। टाइम के साथ साथ ये तुम्हारी दिमाग पर भी असर करता है, कंसिस्टेंसी खत्म कर देता है, फोकस को बिल्कुल खत्म कर देता है। तुम देखना, आज तुम किताब पढ़ो जो बहुत कंज्यूम करते हैं, तुम 1 घंटा बैठ के वो किताब नहीं पढ़ सकते। तुम पन्ना पलटोगे, दूसरा आगे क्या है, तुम मतलब धैर्य बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। मेरी सलाह है, अपने काम पे लगो, सुबह उठो, ये मानो कि मुझे 12 बजे से उठना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, टेबल पे बैठे रहना। देखो तुम चाहोगे तो सब कुछ हो सकता, ना चाहो तो भाई कितना भी समझा ले, मैं या मेरे जैसे हजारों कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे चाहे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। भले तुम ग्रीन टी का सहारा लो, कॉफ़ी का सहारा लो, मैं ग्रीन टी क्यों पीता हूँ, लोग कहते हैं सर शराब पीता है, ग्रीन टी पीता हूँ मैं। और मैं यकीन मानना, जब मैं जो चाय की पत्तियाँ होती हैं ग्रीन टी की, उसे जब फेंकता हूँ तो एक प्लेट भर जाती है कम से कम। नहीं तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 10 से 12 मेरी ग्रीन टी हो जाती है एक दिन में। उसका कारण है, इसे पीने के बाद ना आप अलर्ट रहते हो, आप अपने काम से जुड़े रहते हो। मैं सच बताऊँ तो बहुत आलसी इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा आलसी, मतलब हर काम मैं आराम करते करते ही करना चाहता हूँ, भले वो कुछ भी। मैं जानता हूँ ये मेरी वीकनेस है, मैं नहीं चाहता ये दोबारा से हो, इसलिए मैं आराम को हटा के इसका सहारा ले लेके काम निपटाता हूँ। ये जितना मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, ये भी मन नहीं करता, सिर्फ मन करता है मैं सोचूँ। तो यही है जो वीकनेस है, उनके सप्लीमेंट आप लीजिए एक तरह से। जिम वाला लड़का बॉडी करता है, मसल मास प्रोटीन लेता है, वैसे ही तुम कुछ सहारा ले लीजिए। तुम देखो ना तुम्हारी वीकनेस क्या है भाई, तुम्हारे घर में शोर रहता है तो ज़रूरी है वो काम जिसके लिए तुम प्लान बना रहे हो ये घर पे ही करना है, किसी पार्क में चले जाओ। बहुत सारे तरीके हैं देखो तुम खुद को एक एनवायरनमेंट में रखने के, बहुत सारे।
और मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम ये सब नहीं करते तो मैं लगेगा ठीक है कोई बात नहीं है, जो गेमिंग ट्रेडिंग या कुछ भी है इससे हम करियर बना लेंगे। तो इतना याद रखना, समाज तुम्हारी मेहनत नहीं देखता, समाज तुम्हारा मानसिक तनाव नहीं देखता, समाज तुम्हारा संघर्ष नहीं देखता, समाज ये नहीं देखता कि तुम कैसे दिख रहे हो। समाज देखता है तो तुम्हारा करियर, समाज देखता है तो तुम्हारा पैसा, समाज देखता है तुम्हारा लाइफ स्टाइल। चलिए छोड़िए, समाज को भी क्या दिखाना, नहीं दिखाते। मैं भैया गरीबी में रह लूँगा, नहीं रह सकते। तुम गरीबी में रह लोगे अगर शुरू से रहे हो तो। एक बार तुम माँ बाप ने तुम्हें अच्छी लाइफ दे दी है तो बहुत अच्छा एक लाइफ स्टाइल रहे हो, अब तुम उससे नीचे नहीं रह सकते, असंभव। इसलिए भाई कम से कम उतना तो कर लो कि तुम मेंटेन तो कर सको अपनी लाइफ को, वरना क्या है, कुछ भी नहीं है। अभी समय है, समझ जाओ, बहुत जल्दी समझ जाओ। मैं ये नहीं कहता तुम कलेक्टर ही बनो, तुम डॉक्टर ही बनो, कुछ भी करो जो तुम्हें पसंद हो, कुछ भी ऐसा कोई सा भी काम जिससे तुम्हें एक इनकम आए, कुछ पैसा आए, वो काम करो, कुछ भी हो सकता है। गलत लोगों का साथ छोड़ दो, सबसे गंदे आदत होती है उनकी जो लोग कुछ भी नहीं करते। मैं कहता हूँ ना कि नशे वाले के साथ तुम रहते हो अगर, पर तुम पीते नहीं हो, तो तुम्हें उसे देख के ना थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, वो ये कि साला देख लाइफ खराब कर रहा है, हट मुझे नहीं करनी, मैं तो घर जाके पढ़ूंगा। एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ, देखो तुम्हें गरीबी में रहना ये लगता है कि कम खा लेंगे, कम शौक कर लेंगे, नहीं नहीं, नहीं। बीमारियों पे इलाज ना मिलना भी एक गरीबी का कारण है, ध्यान से सुनना। अपने बच्चों को वो सुविधाएं ना दे पाना जिनकी उन्हें सख्त जरूरत है, एक अच्छा घर ना बना पाना, गृहस्थी में खुश ना रह पाना, खुद के जीवन को बार बार कोसना, शराब पी के रोना, ये सब गरीबी के ही लक्षण है, ये सब नाकामयाबी के ही है। और मैं बता दूं तुम्हें, ये पहले का गरीब था जो फटे कपड़े पहनता था, आज का गरीब अच्छी शर्ट पैंट पहन के गरीब रहता है। देखना कभी दिल्ली में कहीं गई, बहुत लड़के तुम्हें मिलेंगे बहुत बनठन के रहते हैं लेकिन बेचारे अंदर से टूटे, करियर सेट नहीं, किसी भी कॉल सेंटर वगैरह में जॉब करते। कारण ये है कि ना ही तो कोई उन्हें इतना समझाने वाला मिला और ना ही वो समझ पाए। पर तुम्हारे पास समय है, देरी कभी नहीं होती है, सब कुछ चल जाता है, बस तुम्हारे पास एक अच्छा करियर होना चाहिए। तो अभी एक काम करो, तुम आज से ये काम करो कि लिखो कम से कम 50 करियर जिनके पीछे तुम्हारा मन भागता है। और मैं बता दूं फ्यूचर में भी आने वाले लिख लेना, क्योंकि मन भागेगा। लिख लो तुम्हें जिसमें बुढ़ापा अच्छा लगता हो, मतलब ये नहीं कि इसमें ज्यादा पैसा, यार जिसमें तुम्हें बुढ़ापा देखना हो, कि बुढ़ापे में तुम्हारी पहचान इस करियर से हो। बूढ़े बैठे हो जब दो तो एक पूछे तुमसे कि तुमने क्या किया था, कि मैं इस करियर में था, और तुम्हें उस पर गर्व महसूस हो, भले जमाने को वो कैसा लगे, उस पर मेहनत कर, साल दो साल दस साल नहीं, बुढ़ापा देखो, बहुत मजा आएगा तुम्हें, बहुत सुकून मिले, और लग जाओ करो मेहनत। अच्छा करियर, अच्छी पत्नी, अच्छी गृहस्थी, अच्छा जीवन और अच्छी मृत्यु। नमस्कार दोस्तों, आपका भी कोई किस्सा हो, किसी समस्या में फंसे हो तो ये व्यक्तिगत नंबर है, संपर्क कर लीजिएगा, बाकी मेल कर देना आपका कोई प्रश्न हो तो। मिलता हूँ कल।